नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के दिल्ली से जयपुर लौटते ही राजनीतिक सरगर्मियां फिर से शुरू हो गई है। सचिन पायलट के दिल्ली प्रवास के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि सियासी संग्राम पर कुछ फैसला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात नहीं हो पाने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रार अभी थमने की बजाय और बढ़ सकती है। सचिन पायलट बीते कुछ दिनों से दिल्ली में थे। हालांकि पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। ये तीनों नेता अभी पंजाब कांग्रेस का संकट सुलझाने में व्यस्त हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आलाकमान की प्राथमिकता अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में उपजे विवाद को सुलझाना है। इसके बाद राजस्थान के संकट को सुलझाया जाएगा। पीसीसी की वर्चुअल बैठक में दिखी थी पायलट समर्थकों की नाराजगी। बैठक में पायलट समर्थकों ने घेर लिया था डोटासरा को। सत्ता में भागीदारी और संगठन का गठन नहीं होने से है नाराज। पार्षदों के मनोनयन में नेताओं के परिवारों को अहमियत देने के लगे थे आरोप। डोटासरा पर प्रभारी अजय माकन की गाइडलाइन दरकिनार करने का लगाया था आरोप। वहीं सचिन पायलट समर्थक और चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी कहा था कि बगैर संगठन के मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कैसे होगा। पार्टी का पिछले 11 महीनों से ब्लॉक और जिलों में कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका है। उधर सुनवाई नहीं होने से कार्यकर्ता भी निराश है। कांग्रेस आलाकमान का अभी पूरा ध्यान पंजाब कांग्रेस के अंतर कलह को सुलझाने में है, यानी कि राजस्थान में जो सियासी विवाद चल रहा है उसे सुलझने में देरी होना तय है। इससे माना जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ेगा और इसका असर आगामी पंचायती राज चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिल सकता है।